लेकिन आज मुद्दा क्या था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं इसलिए ये उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। कौन मना कर रहा है कि आप जो भी चाहे वो ना करें, आपको प्रचंड बहुमत मिला है। लेकिन जो मेन इश्यू है हमारे राज्य के, उन इश्यूज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यानी पिछले 5 साल हमारे बच्चे जो हैं वो सड़कों पे रहे, तीर्थ पुरोहितों को आप सड़कों पे लेकर आ गए, आपने किस प्रकार से सैनिक कल्याण बोर्ड वाले मैटर में 7वां पे कमीशन देने की बात पास कर दी कैबिनेट में, आखिरी कैबिनेट नवंबर की, डिमरी जी जाके चेक कर लीजिए, और फिर भी आपने नहीं दिया। बल्कि जो मंत्री हैं और आज भी मंत्री हैं, उस समय मंत्री थे गणेश जोशी जी, उन्होंने मेरे पूर्व सैनिक बहने और जो भाई हैं वहां की, जो वीर नारियां और जो बाकी भाई हैं, उनको बदतमीजी से उनसे बात करी। क्या ये सही है? आप सैनिकों के बारे में बात करते हैं, पोस्टल बैलेट उठाइए डिमरी जी, आंखें खोलिए। जिन सैनिकों को आप कहते थे आपके साथ है, अब की बार वो 50-50 पे दिख रहा है, जबकि पोस्टल बैलेट पर आरोप भी लगा है कि कुछ गड़बड़ियां करी गई हैं। तो अगर आप एक डोई वाला का देख लेते हो, मेरे पास सामने डेटा है, अगर मैं सारे आप चाहें तो वो भी खोल के दिखाऊंगी, कि जगह जगह पे पहली बार पोस्टल बैलेट करीब करीब बराबर गए, जो जीता उससे ज्यादा मिले, इसलिए सैनिक उसके साथ रहा जो जीता। और जीता कौन? कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं। इसको नकार सकते हैं आप? नहीं नकार सकते। तो सच्चाई ये है कि आज हमारे बच्चों का मुद्दा सबसे प्रथम श्रेणी पे आपको रखना चाहिए, कि बेरोजगारों को हम नौकरी कैसे देंगे। केवल बातें कर देने से, कि अरे विपक्ष ये बोलता है, विपक्ष वो बोलता है, छोड़ दीजिए विपक्ष को, आपको प्रचंड बहुमत मिल गया, हम आपने आपके साथ हैं। उनको नौकरियां कैसे जितने देंगे वो करना शुरू करिए। भी